भारतीय राजदूत माननीय श्री अखिलेश मिश्र और सभी उपस्थित जन को नमस्कार और सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं हम आज विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक संक्षिप्त विवरण आज की दिन की प्रासंगिकता के बारे में। भारत में यह दिवस 2003 से प्रतिवर्ष प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो कि 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विश्व में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2006 से अंतर्राष्ट्रीय रूप से अन्य देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन मनाने की परंपरा शुरू की। इस वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी द्वारा किया जा रहा है। हिंदी भाषा विश्व भर में 26 करोड़ से भी अधिक लोगों द्वारा मूल भाषा के रूप में बोली जाती है और लगभग 12 करोड़ लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में उपयोग करते हैं। यह दुनिया भर में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में चौथे स्थान पर आती है। आज हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि हम समस्त भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों को हिंदी बोलने पढ़ने और इसके प्रयास के लिए प्रेरित कर पाए। अब मैं माननीय राजदूत महोदय से अनुरोध करती हूँ इस उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय राजदूतावास में हार्दिक स्वागत है और हम लोग इस नव वर्ष में पहली बार मिल रहे हैं तो नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए। ये वर्ष मंगलमय हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सब उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, प्रार्थना है। जैसा हेमा जी ने कहा, आज का विषय है विश्व हिंदी दिवस का समारोह और मैं ये इस बात के लिए आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह का उत्साह आपने दिखाया है वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत उत्साह। जैसा मैंने पहले शायद कहा था कि मुझे इसकी बहुत खुशी होती है कि आयरलैंड में अपेक्षाकृत छोटी संख्या होने के बावजूद भी, इसमें कनाडा में था या कैलिफोर्निया में था तो वहाँ बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है, तो उसकी तुलना में यहाँ छोटी है कम्युनिटी लेकिन इतनी समृद्ध है और इतनी वीरतापूर्ण है, इतनी ऊर्जावान है, ये सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और ये विशेष मेरे लिए संतोष की बात है कि इतनी 77,000 शायद लोग बोलते हैं कि भारतीय कम्युनिटी की संख्या होगी, लेकिन इसमें जितनी भाषाएं समाहित हैं भारत की वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत सुखद अवसर है। अभी हम अंग्रेज जी का संदेश आपने देखा विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, तो उन्होंने विश्व हिंदी दिवस के और हिंदी के समर्थन को भी उन्होंने पंच प्रण से और अमृत काल से जोड़ा है कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये 15 अगस्त 2023 में जो समारोह होगा उसके बाद खत्म नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी ने हमको ये विजन दिया है, दर्शन दिया है कि हम आने समारोह को यहीं अंत विराम न दें बल्कि आने वाले 25 वर्षों के लिए तैयारी करें, जिससे कि हमारा देश 100वीं वर्षगांठ मनाई आज़ादी की उसकी परिकल्पना के लिए, उसके 100वीं भविष्य के लिए हम अभी से कमर कस के 5 प्रण करके आगे बढ़े। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है 5 प्रण का कि हमको अपनी विरासत पे गर्व हो और विरासत के कई पहलू हैं। तो एक आधारभूत पहलू है विरासत का वो भाषा, क्योंकि संस्कृत में कहते हैं कि यदि वाग नहीं भविष्यति, कि अगर वाणी नहीं होती तो हमें कुछ संवाद नहीं मिलता, भ्रम नहीं होता, कुछ ज्ञान नहीं होता। तो जो हमारा ज्ञान का आधार है उसका आधार है भाषा। और भारत का सौभाग्य है कि उसमें इतनी पुरानी भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और इतनी प्राचीन भाषाएं हैं, इतनी समृद्ध भाषाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के संदेश की जो मूल भावना है उसको ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी दिवस को भी इस तरीके से मनाना चाहता था कि उसमें भारत की सभी भाषाओं को बोलने वाले लोगों को जोड़ने का अवसर मिले। और जैसा आप सब जानते हैं कि संस्कृत और तमिल दो बहुत पुरानी, सबसे पुरानी भाषाएं हैं भारत की,
इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत समृद्ध किया है। हाँ, कि अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में चाहे वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, या इस तरह के जो संस्कृत का जो साहित्य है उसका लगभग हर भारतीय भाषा में अनुवाद हुआ है, और उसकी जो विषय वस्तु है संस्कृत के साहित्य का उसको आधार बना करके लगभग हर भारतीय भाषा में नया साहित्य रचा है। तो इस तरीके से एक भाषा ने दूसरी भाषा को समृद्ध किया है, ऐसी परंपरा हमारे देश में नहीं है। इस परंपरा को और ऊर्जावान करने की आवश्यकता है। मैं सौभाग्य से ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मैं भारत के ऐसे जो भाई बहन हैं जिनकी मातृभाषा नहीं है उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूँ, उनके प्रति मैं करता हूँ, उनके साथ में खड़ा हूँ कि हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक उसका अपनापन भारत की सभी भाषाओं के साथ आत्मीयता से नहीं जुड़ा। इस तरीके से अगर हिंदी का जो साहित्य, आज का जो साहित्य है या पुराना जो समृद्ध साहित्य रहा है उसका दूसरी भाषाओं के साथ हम आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो जैसे पानी होता है वो ठहर जाता है तो उसमें सड़न आ जाती है, वैसे ही भाषाओं का साहित्य की भी स्थिति है। तो मैं चाहता हूँ कि आयरलैंड में हम ये परंपरा शुरू करें कि जो हिंदी का कोई समारोह हो तो उसमें खाली हिंदी भाषा के ही बोलने वाले लोग ना, बाकी भाषाओं के बोलने वाले और उनके साहित्यकार, उनके कवि, उनके संगीतकार, जो आलोचक हैं वो सब जुड़े। मैं एक कदम और आगे भी जाना चाहूँगा, हेमंत जी आप याद करेगा, इसको जल्दी हम लोग करते हैं कि जैसे हम हिंदी के लिए समारोह करते हैं वैसे ही मैं जरूर चाहूँगा कि यहाँ जैसे मलयालम बोलने वाले बहुत से लोग हैं तो भारतीय राष्ट्रवास मलयालम भाषा और उसके साहित्य को लेकर के भी हमें करना चाहिए। हाँ, जिसमें जो मलयालम नहीं बोलने वाले हैं वो भी आए और सुने और अपने को समृद्ध करें। हाँ, कि आज मलयालम की समृद्धि क्या, भाषा और साहित्य की विशेषता क्या है, समृद्धि क्या है, क्या लिखा जा रहा है, क्या विचारधाराएं उसमें आ रही हैं, वो सुनेंगे तो वो खुद भी लाभान्वित होंगे। ऐसे ही यहाँ तमिल की बोलने वालों की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि अन्य भाषाएं भी जैसे कोंकणी है या असमिया है या बंगाली है, तो जितने हैं आप प्लीज आगे आइए और ये राष्ट्रवास आपका है, ये मंच आपका है। अगर हम एक दूसरे को सुनना समझना शुरू करेंगे तो उससे हमको अगर आत्मीय सुख भी मिलेगी, हमारा विकास होगा। हाँ, तो भाषा के नाम पर हमारे साथ भारतीय राष्ट्रवास के पास और आपके कमेटी के साथ काम करने के बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने उत्साह से इतने कम समय में और ये सब चीज़ों में अभी आप लोग आए हैं और इसका भाग ले रहे हैं। कुछ लोग तो दूर से आए हैं, उनको जब दिन से बाहर से जो आए हैं उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं कृतज्ञ हूँ कि आपको अंत में जयशंकर जी की एक प्रसाद की एक कविता है जो मुझे बहुत प्रिय है, उसको मैं प्रस्तुत करके राम देना चाहूँगा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजय की मानवता हो जाए। जो शक्ति के कण हैं जो अकेले अकेले हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस शक्ति के कणों को आप जोड़ दीजिए तो उन्हें बहुत तो हमारे इस छोटी सी इंडियन कम्युनिटी में जितनी टैलेंट है, जितनी क्रिएटिविटी है, जितनी वर्सेटिलिटी है वो अलग अलग रहे तो शायद उसका उतना प्रभाव नहीं हो, लेकिन अगर हम मिलजुल के काम करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत हो। कश्मीरी भाषा में श्री गणेश वगैरह के कुछ अंश प्रस्तुत करेंगे।
नमस्कार। नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पूर्वासिनी स्वामी अहम प्रातः नित्यम विद्या ज्ञानम सुदेहि में सदा। अर्थात हे कश्मीर में विराजमान सरस्वती रूपी शारदा देवी, आपको मेरा शत शत नमन। मैं आपको नमस्कार करती हूँ कि आप हर समय मेरी सहायता करती हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें सदैव ज्ञान और विद्या प्रदान करें। इस श्लोक के साथ मैं आप सबको मेरा नमस्कार करती हूँ और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अद्वैता जाड़ू है और मैं यूसीडी की छात्रा हूँ। मैं एक कश्मीरी पंडित लड़की हूँ और आज आप सबके सामने मैं गणेश वंदना प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले या कोई भी हवन या पूजा अर्चना करने से पहले हम गणेश भगवान को याद करते हैं। इसीलिए आज इस अवसर पर मैं आप सबके सामने कश्मीरी में गणेश वंदना प्रस्तुत करूंगी। समय को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ ही श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। आई से शरण कर तम दया ओम श्री गणेशाय नमः। आई से शरण कर तम दया ओम श्री गणेशाय नमः। यज्ञ से करस व्यवहार से गुण छे स्वरान प्रतिकार से यज्ञ से सबसे पहले
कि उन्होंने ये हिंदी दिवस मनाने का अवसर दिया है। और जैसे कि हमारे भारत देश में विविधता में एकता मैं हमेशा देखते आ रहा हूँ बचपन से, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते बस 2 मिनट में इस पर कुछ कहना चाहूँगा। तो भारत में रहने वाले जो लोग हैं विभिन्न जातियों धर्मों और मान्यताओं से संबंध रखते हैं, पर वे एकता में रहते हैं और इस तथ्य को साबित करते हैं कि विविधता में एकता है। जाति वर्ग धर्म और जैसी अनेक मान्यता होने के बावजूद एकता परस्पर शांति प्रेम सद्भाव आदि अस्तित्व का केंद्र है। यह विभिन्न भाषाओं धर्मों और धर्मों के पुनर्मिलन का स्थल है ऐसा मेरा मानना है, इसलिए लोग यहाँ हर धर्म का सम्मान करते हैं। यहाँ लोग धर्म और आध्यात्मिकता के उच्च महत्व रखते हैं जो रिश्तों को मजबूत करता है। एकता न केवल लोगों को नैतिक रूप से मदद करती है बल्कि यह अन्य देशों के लिए भी एक महान प्रतिमान है। भारत एक आनंददायक देश है जहाँ किलोमीटर गहरे झरने भी है और किलोमीटर ऊंचे पहाड़ भी हैं। यहाँ सूखा रेगिस्तान भी है और लहलहाता समंदर भी। हम और आप स्वाद के स्तर तक जुड़े हुए हैं, जहाँ पूरब से रसगुल्ला, पश्चिम से वड़ा पाव चलता है और पूरे देश में स्वाद बन जाता है, जहाँ उत्तर से राजमा चावल, लिट्टी चोखा और दक्षिण से इडली डोसा निकलता है तो पूरे देश में स्वाद बन जाता है। और आखिरकार 2 लाइनें कहना चाहूँगा, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप मेष भाषा चाहे अनेक है। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता है। और जब मेरे पास में ये संदेश आया था कि अभी हिंदी देश में आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या, तो मैंने भी एकदम हाँ भर दिया था। कारण क्या था कि तो मेरे को हिंदी में या तो कोई ऐसा कोई प्रोग्राम तो होता नहीं है जिसमें कि पूर्ण रूप में हिंदी बोले जाए, वरना वहाँ पर क्या पूरी इंग्लिश में बोला जाता है। तो मेरे जैसा जो मेरा हिंदी में जो शिक्षा का माध्यम था हिंदी था, तो मैंने सोचा हो सकता है कि मैं अपना कुछ बोलना है वो अपने विचार है मैं अपने को प्रस्तुत कर सकूं। और इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जैसे मेरे को संदेश मिला मैंने तुरंत हाँ भर दी। मैंने अभी ठीक है प्रयास करता हूँ कभी विदेश में जाकर के अगर मैं हिंदी में बोलने का मौका मिला तो इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता। और इसी ढंग में जब मेरे को पूछा गया क्या कभी आप किस पे बोलना चाहेंगे, तो मैंने जब मैं स्कूल में था जब उसमें कन्हैयालाल सेठ हिंदी साहित्यकार और राजस्थानी साहित्यकार के प्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने कई कविताएं लिखी थी। उस कविताओं में हिंदी में भी उन्होंने 18 पुस्तकें लिखी थी और राजस्थानी में उन्होंने 14 पुस्तकें लिखी थी। उसमें लेकिन 2 मुख्य रूप से थे, एक तो थे धरती दोहराली और दूसरा था पीतल और पाथल। तो ये दोनों मेरे स्कूल शिक्षा में जब मैंने पढ़ा था तो आज मैं याद आया क्यों नहीं मैं अपना बचपन वापस मैं आपको स्मरण करा दूं। और इसलिए मैंने क्या कि कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखे थे पाथल और पीतल की मैंने कविता उसको जो कि राजस्थानी में है इस और पाथल पीतल इसके जो उसका उद्देश्य है जो कविता में बताने का, जब राणा प्रताप हल्दी घाटी में
पराजित होने के बाद में जब वो जंगल भटक रहे थे और उनका राजकुमार अमर सिंह जब वो भूख प्यास से तड़पता हुआ उनके लिए घास की रोटी बना रहे थे और उसी में अचानक जंगल बिलावड़ा आया था और उसकी रोटी छीन के ले गया था और राणा को बड़ा दुख हुआ था और उसी दुख के लेकर पे लेकर उस दुख से उन्होंने हृदय इतना गवा कभी कि इतना दुख सह लिया तो मैं कब तक दुख सहन करूँगा। और उसी के ऊपर कन्हैयालाल आजाद ने उस पर कविता बनाई और इसी को मैं आपको संक्षिप्त रूप में समय को ध्यान रखते हुए आपको बता रहा हूँ। अरे घास री रोटी ही जद बन पिलावलो ले भाग्यो नानो सो अमरो चीक पड़ो राणा रो सो यो दुख जाग्यो हूँ घणो लड़ो हूँ घणो सयो मैं वाड़ी मान बचान लेयो मैं लड़ो घणो मैं सयो घणो मैं वाड़ी मान बचान मैं पाछ नहीं छोड़ी हने बेरा रो खून बहावन जद याद करूं हल्दी घाटी जद याद करूं हल्दी घाटी ने जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतक रो सोती सी स्फूक जगा जावे पर आज बिलखता देखूं जद राज कौन ने रोटी ने तो शास्त्र धर्म ने भूलूं भूलूं छिंदवाणी ज्योति ने आसोच हुई दो टूक तड़क राणा जी भीम बजर छाती आख्या में आंखों आंसू भर बोलियो हूँ लिखूं अकबर ने पाती राणा रो कागज बांचुयो अकबर रो सपनों सो सांची पर बांच पर नेन करया विश्वास नहीं बार बार भर फिर बांची बस दूध इशारो पा भाजो पीतल ने तुरंत बलावण ने किरणा रो पीतल आप मुंग्यो अकबर रो भरम मिटावण ने जैसी यानी क्या उसको महाराणा प्रताप का जो पत्र उसको बात अकबर बादशाह पहुंचा था तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कभी क्या महाराणा मुझे पत्र लिख सकते हैं। तो उसके लिए उसने पीतल को बुलाया था पीतल उसके दरबार में था वो भी एक राजनीति था और उसी को जब बताया तो उसको भी विश्वास नहीं हुआ कि महाराणा हालांकि उसको पत्र देखा था लेकिन वो कभी ये सारी बात झूठी है। तब उसने वापस पीतल है वो आगे आपको बताता है जो हुक्म होए तो लिख पूछू राणा रे कागज रे खाती ले पूछ भला ही पीतल तू आ बात सही बोलो अकबर। तो ये क्या था राणा के बेटे का पत्र लिख क्यों देता हूँ राणा से कभी कैसे ये क्या तो वहाँ पे ये पीतल है ये इसका पूछता है राणा से मैं आज सुनी है ना हरियो सारे सागे सो गए लो मैं आज सुनी हूँ ना हरियो सारे सागे सो गए लो मैं आज सुनी हो बात सूरज लो बादल में आख्या खो गए लो मैं आज सुनी हूँ चात करो धरती रो पानी पी गए लो। जब ये वहाँ पे इसको इसने पीथल ने इसको लिख करके और राणा के पास भेजा तब जब पीतल रो आकर पढ़ता ही राणा जी आंखें लाल हुई धिक्कार मने मैं कायर हूँ नाहर जी एक धक्काल हुई मैं भूख रहूं या प्यास मरूं मैं भूख मरूं या प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रहे वो घोर उजाड़ा मैं भटकूं पर मन में मारी याद रहे। जब राणा रो संदेश गयो पीतल जी छाती दूनी हूँ हिंदवाणो सूरज चमके है अकबर जी दुनिया सुनी ही अकबर जी दुनिया सुनी ही।
मलयाली परिषद की अध्यक्षा हैं और एक नृत्य मंडली की निदेशिका भी हैं। यह भारत के दो राज्यों तमिलनाडु और केरल से संबंध रखती हैं और आज ये अपने द्वारा लिखित एक तमिल कविता नांगया, जिसका हिंदी अनुवाद है कौन हूँ मैं, प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते, नमस्कार, वणक्कम। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। जैसे हिमा जी ने बताया, मैं कॉर्क से आई हूँ और मैं सभी इस अवसर हिंदी दिवस के अवसर में सभी को बधाई दी। मैं इस अवसर में मेरी लिखी हुई कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कविता मैंने तमिल, जो भारत की पुरानी भाषा है, उसमें लिखी और मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूँगी। आशा है कि आप सबको अच्छा लगे। कविता का शीर्षक है ना यार। ना और मनिधर ஆனால் சமுதாயம் இல்லை, பெண்ணாய் வேறு பிரித்தது. அதனால் என் உள்ளே பயம், நாணம், சொல்ல முடியாத உணர்ச்சிகள் மூடிக்கொண்டே இருந்தது. என் உள்ளே ஒரு கேள்வி எப்போதும் உறுத்தி கொண்டே இருந்தது, ஏன் நான் ஒரு பெண்ணானேன்? ஆண்களுக்கு இந்த சமுதாயம் ஒரு மரியாதை, பெண்களுக்கு ஒரு ஆட்சேபம், ஏன் இந்த வேறுபாடு? பெண்ணாய் பிறந்தது தவறா? இந்த கேள்விக்கு பதில் என் உள்ளே ஒரு தீயா இருந்தது. அப்போதுதான் நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன். நான் ஏன் இந்த சிந்தனைக்கு ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரக்கூடாது? அப்போதுதான் நான் ஒரு மனிதராக சிந்தித்தேன். நான் ஒரு பெண் ஆனால் என்ன? எனக்கும் எல்லாம் உணர்ச்சிகள் உண்டு. நானும் என் படிப்பு, என் வேலையில் உயர முடியும். இந்த வெறித்தனம் என் உள்ளே எரிந்து கொண்டே இருந்தது. அந்த தீ எனக்கு ஒரு லட்சியம் தந்தது. இது என் தனித்தன்மையை உயர்ந்தது. இந்த நாள் என்னை சமுதாயம் ஒரு பெண்ணாக மட்டுமில்லை, ஆனால் ஒரு மனிதனாக கூட மரியாதையோடு காண்கிறது. அது என் உள்ளே ஒரு வெற்றி உணர்ச்சி எழுப்பியுள்ளது. நான் ஒரு பெண்ணானா என்ன? நானும் ஒரு மனிதன் தான். मैं कौन हूँ? मैं इंसान हूँ, लेकिन यह समाज ने मुझे लड़की के औथा दिया है, इसलिए मेरे अंदर भय, घृणा और अन्य भावनाएं भर गई थी। एक सवाल मेरे अंदर हमेशा चुभती रहती थी, क्यों मैं एक औरत बन गई? क्या समाज पुरुषों के लिए एक सम्मान, महिलाओं के लिए एक घृणा? यह अंतर क्यों? क्या लड़की पैदा होना गलत है? क्या लड़की के रूप में जन्म लेना गलत है? यह सवाल जवाब मेरे अंदर आग की तरह जल रही थी। तब मैंने एक निर्णय लिया, क्या क्यों ना मैं इन विचारों में परिवर्तन लाऊं? तभी मैंने इंसान के रूप में सोचा, मैं महिला होने में क्या बुराई है? मेरे पास भावनाएं हैं, मैं भी काम और पढ़ाई में उत्कृष्ट प्राप्त कर सकती हूँ। यह आग अंदर ही अंदर सुलगता रहा। उस आग ने मुझे एक उद्देश्य दिया, इसने मेरे व्यक्तित्व को बढ़ाया। आज समाज मुझे महिला आगा के रूप में नहीं, बल्कि एक मनुष्य आगा के रूप में सम्मान की दृष्टि से देखता है। यह मेरी जीत है। मैं औरत हूं तो क्या हूं, मैं भी एक इंसान हूं। धन्यवाद। कह सकते हैं, कर्ण पे लिखी हुई
तो उसके बारे में मैं आज उसका सर्व तीन का भाग एक बोलना चाहूंगी। आप में से कई लोगों ने उसका भाग दो सुना होगा। जो भाग एक है उसमें से उसका ऐसा परिचय मैं देना चाहती हूँ। जब पांडव अज्ञातवास से होकर निकले तब उनकी जो कठिनाइयां थी उन पर दिनकर जी ने ये शब्द लिखे हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, शर एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी न उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मन में, थम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, पिस जाता है इक्षुदंड, झरती रस के धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिहोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों को विघ्नों में रहकर काम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पुरुष के है साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कड़करिया जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है लोरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्ष गृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। धन्यवाद आपका। अगली प्रवक्ता है सुश्री स्नेहा जीते, जो एक कानूनी सलाहकार है और पंजाब प्रांत से आती है। यह आज हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय प्रस्तुत करेंगे। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की मातृभाषा है हिंदी। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हिंद की पहचान है, बसती है हमारे रग रग में, ये हमारी जान है। माननीय श्रोतागण, मैं स्नेहा जीते विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष में आयोजित विश्व विशेष कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। विभिन्न साहित्यकारों ने अपने विचारों और कलम से हिंदी भाषा को सर आंखों पर बिठाया और हम तक पहुंचाया है। इन्हीं महान भावों की श्रेणी के अति सम्मानित कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता आत्म परिचय से मैं बहुत प्रभावित हूँ। इस कविता के द्वारा वो अपने जीवन की शैली का परिचय देते हैं।
वे स्वयं को जग से जोड़ कर भी और जग से अलग भी महसूस करते हैं। इस जग में रहकर भी उनका अपना पृथक व्यक्तित्व है। मैं दुनिया में हूं पर दुनिया का तरफगार नहीं हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी की इन्हीं भावों को कविता पाठ द्वारा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया फिरता हूं। जब पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जब भाव सागर तरने को नाव बहाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में असाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसाता रुला के भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहां पर जाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा कर वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन का रोग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जो जिस पर भूमि के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मतकदा निशेष किए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जब झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। धन्यवाद। आप सबको नव वर्ष की और हिंदी विश्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम विकास पांसे है और ये मेरी बेटी पांसे। भारत भूमि को बहुत महानुभावों ने उनके पराक्रम शौर्य चातुर्य से गौरवान्वित किया है। ऐसे ही जिन्होंने हिंदी स्वराज्य की स्थापना की, छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम उनके जीवन का एक प्रसंग आपको वर्णन करना चाहते हैं जो अन्वी आपके साथ साझा करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत शूरवीर राजा थे और उनका प्रभुत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा था। औरंगजेब को यह बिल्कुल रास नहीं आ रहा था और इसलिए उसने शिवाजी महाराज को बंदी करने का योजना की। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उसके 50वें जन्मदिन पर आगरा आने का निमंत्रण दिया, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुले दिल से स्वीकार किया। शिवाजी महाराज अपने 6 साल के पुत्र संभाजी महाराज और कुछ
सतयुग के साथ आगरा के लिए निकले। आगरा पहुंचने के बाद उनको राजा का सम्मान बिल्कुल नहीं मिला और बार बार अपमान किया गया और छल से औरंगजेब ने उन्हें नजर कैद कर लिया। शिवाजी महाराज चाहते थे कि इतनी बड़ी सेना से युद्ध से नहीं बल्कि युक्ति से मात की जा सकती है और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने विमान होने का नाटक किया और औरंगजेब से मंदिरों साधु संतों और ब्राह्मणों को मिठाई बांटने की इच्छा जाहिर की। बेखबर औरंगजेब ने यह इच्छा मान ली। फिर क्या, बड़े बड़े पिठारे मंगवाए गए और उनमें मिठाई भिजवाए गए। औरंगजेब के सिपाही हर एक पिटारा जांच करके ही आगे जाने देते थे। इस सिलसिला रोज का हो गया और सुरक्षा कर्मी ने पिटारा रोज देखना बंद कर दिया। शिवाजी महाराज इस वक्त का ही इंतजार कर रहे थे। फिर एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज उन पिटारों में बैठकर वहां से रवाना हो गए। वे उत्तर की ओर से भेष बदल बदल कर सात दिन बाद राजगढ़ पहुंचे। पूरे देख जीजाबाई और सारे राजा बहुत खुश हो गए। तो इस प्रकार शिवाजी महाराज ने कभी युक्ति और कभी शक्ति से हमेशा अपने दुश्मनों को करारी मार दी। तो बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराज को राजस्व रियासत में नहीं मिला था, वो लोगों के राजा थे, प्रजा ने उन्हें राजा बनाया था और हर एक शूरवीर सरदार जो उनके सैन्य में था उन्होंने खुद चुना था। ऐसे बहुत सारे मराठे सरदार जैसे तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, नेताजी पालकर, कुंडाजी फर्जल, जीवा महार, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करके हमेशा स्वराज्य की रक्षा की, बस उन्हीं शूरवीर सरदारों की याद में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। जो एक मराठी गीत है उसका अनुवाद आपको करूंगा। आईचा गर्भात मगरी झुंझराची रीत करवाईशी लगिन लागल जड़ली गेडी प्रीत लाख संकट झेलून घेल अशी पहाडी छाती देह देश धर्मा पाई प्राण घेतल हाती शूर अमित सरदार माला काय कुणाची भीती। तो ये शूरवीर सरदार जो है लड़ने का जज्बा अपनी माँ के कोख से ही सीख के आते हैं और उनकी दीवानगी, उनकी शादी, उनका जीवन एक तलवार से ही साथ होता है। चाहे लाख संकट आए सीना ठोक के उसका सामना करते हैं और अपनी काढ़ा की ना परवाह करते हुए हमेशा शिवाजी महाराज के साथ वो खड़े हुए। आगे एक शूरवीर सरदार कहता है कि जिनका बेया कटुन मराव हे जमाला ठाव लडुन मराव मरुन जगाव हे जमाला ठाव देशा पाई सारी विसरू माया ममता नाती देह देश धर्मा पाई प्राण घेतल हाती शूर मी सरदार माला काय कुणाची भीती। ये कहते हैं शूरवीर सरदार की मुझे सिर्फ जीतना पता है, मैं जीत जाऊंगा या कट जाऊंगा और अगर जीता है मैं मरूंगा तो जीतने के लिए, अगर मैं जीना है मुझे तो मरने के बाद जीऊंगा, लेकिन मैं स्वराज्य की रक्षा हमेशा करूंगा। ऐसे ही शूरवीर सरदार हमेशा शिवाजी महाराज के साथ खड़े हुए और शिवाजी महाराज ने उनके पराक्रम तो गौरव है ही बट सारे शूरवीर सरदार भी उनका गौरव है। और मुझे यकीन है इस बात का कि ना सिर्फ हमारी पीढ़ी बस दुनिया के अंत तक शिवाजी महाराज हमेशा हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। तो बस उसी के याद में और हमारे भारत की शान में हम एक जय जयकार करेंगे। गुरु शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
चार साल से डबलिन के जॉन स्कॉटस स्कूल में संस्कृत पढ़ा रही हैं। आज वे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत की कविता का पाठ करेंगे। नमस्कार आप सभी को, नमो नमः। संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। नववर्ष से शुभेच्छा, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। और सर्वप्रथम धन्यवाद भारतीय दूतावास डबलिन को कि उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ बोलने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप सबको सुनने में आ रही है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और ये सब आपको मालूम है। तो मैं सीधा पॉइंट पर, सीधा बिंदु पर आती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक है। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी, लोकायतन, युगपथ, स्वर्ण किरण आदि है। पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार लोकायतन 1964 में उन्होंने लिखा, पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि भी उनको प्राप्त हुए हैं और इन्हें घुसाई दत्त के नाम से भी जाना जाता है। जग जीवन में जो चिर महान प्रसिद्ध कविता है इनकी, उनमें उन्होंने पंत जी ने जगत में सौंदर्य और सत्य से परिपूर्ण ईश्वर से मानव हित में और समाज से भय द्वेष और अंधभक्ति को मिटाकर एक नए जीवन का संचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो कविता इस प्रकार है, बहुत सीधा सरल शब्दों में है पर बहुत गूढ़ महत्व है इसका। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनू नाथ जिसमें मानव हित हो समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बनू नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकू नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकू विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान, फिर से नव जीवन का विहान। देश प्रेम, अभी 26 जनवरी आ रहा है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की याद आएगी, तो उसी देश प्रेम को प्रकट करने वाली पंत जी की पंक्तियां सच में अनूठी एवं हृदय को छूने वाली है। ज्योति भूमि जय भारत देश, ज्योति भूमि जय भारत देश, ज्योति चरण धर विचरे प्रभु वर, जहां विविध धर वेश, लेते यहां धूली पर ईश्वर राम कृष्ण गौतम का तन धर, आए गोपीनाथ महात्मा लाए प्रभु संदेश, श्रद्धांजलि अर्पित करता मन मंगलमय हो दिव्य आगमन, पावन करे धरा को उनके पद रज कण हर क्लेश, ज्योति भूमि जय भारत देश, ज्योति भूमि जय भारत देश। कवि पंत जी की लोकायतन महाकाव्य जो उनका, जिनको इन पर अवार्ड, इनको एक पद्म मिला था, भूषण इनको कहा जाता है, तो जीवन को कैसा जिया जाए इस कविता में बहुत गूढ़ बात गई है। बहुत इजी, मतलब बहुत सरल है पर बहुत गूढ़ है। जीवन अपने ही में एक महान कर्म है, जीना अपने में ही एक महान कर्म है, जीना का वो सदुपयोग यह मनुज धर्म है, अपने ही में रहना एक प्रबुद्ध कला है, जग के हित रहने में सबका भला है। ज्ञानी बनकर मत नीलस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए। अंत में मैं हिंदी दिवस पर कुछ पंक्तियां गीत के रूप में, संगीत के रूप में सुनाना चाहती हूँ और उसका शब्दों का चयन बहुत भारत देश से जुड़ा हुआ है, तो सुनिए पंक्तियां हैं इस प्रकार। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हम हैं
भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। चारों वेदों के पन्नों पे जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। ऋषियों की वाणी ये भाषा, कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू से महकी ये क्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। धन्यवाद। जो बंगाल से हैं और आयरलैंड में ग्लोबल ब्रांड हेल्थ इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। आज वे श्री रामधारी सिंह धनकर जी की रचना किसको नमन करूं का पाठ करेंगे। नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको और हिंदी दिवस का अभिनंदन। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज आप सभी के साथ एक छोटी सी पेशकश रखने जा रही हूँ। मेरे पिताजी भारतीय वायुसेना में काम करते थे तथा उनके साथ मैंने भारत को कई अलग रूपों में देखा है। हर जगह 3 साल 4 साल रह रह के बस बड़ी हो गई और अब भारत के बाहर। तो इस वजह से मुझे घूमने का बहुत शौक है, पर भारत के साथ एक अलग लगाव है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की इस कविता का मैं इस वजह से पाठ करना चाह रही हूं क्योंकि ये कविता मेरे दिल को छूती है और मुझे भी यही प्रश्न है मेरे देश से कि किसको नमन करूं मैं भारत। तुझको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूं मैं। मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है। नर के नभक्ष चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है। भेदों का ज्ञाता निगुणताओं का चिर ज्ञानी है। मेरे प्यारे देश, नहीं तू पत्थर है, पानी है। जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है। देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है। निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन के लिए। खंडित है यह वही शैल से, सरिता से, सागर से, पर जब भी दो हाथ निकल मिलते हैं आदमी पांतर से, तब खाई को पाट शून्य में महामोद मचता है। दो द्वीपों के बीच सेतु यह भारत ही रचता है। मंगलमय यह महासेतु बंधन को नमन करूं मैं। दो हृदय के तार
जहां भी जो झंझोड़ रहे हैं, मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं, घोल रहे हैं जीवन सरिता में प्रेम रसायन, घोल रहे हैं देश देश के बीच मुदे वातावरण, आत्मबंधु कहकर ऐसे जन जन को नमन करूं मैं। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है, धर्म दीप हो जिसके भी कर में वह न तेरा है, तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है, मानवता के इस ललाट बंधन को नमन करूं मैं। हमारे बीच आ रहे हैं श्री आयुष गाजरे, जो विंसेंट कैसलनो कॉलेज में ट्रांजिशन ईयर के छात्र हैं और रग्बी में खास रुचि रखते हैं। श्री गाजरे भी महाराष्ट्र से आते हैं और आज वह एक देशभक्ति की कविता सर पुरुषी की तमन्ना अब हमारे दिल में है प्रस्तुत करेंगे। सभी को नमस्ते। आज जो मैं कविता सादर करने जा रहा हूँ आपके समक्ष, वो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल इन्होंने लिखी है, जिसका आज मैं वर्जन आपके समक्ष सादर करने जा रहा हूँ। वो एक प्रसन्न जोशी ने उनकी कविता से इंस्पिरेशन लेके लिखा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बात चीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ये शहीद मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमकर पूछाएगा दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। अब इस कविता का दूसरा भाग जो है ललकार, वो अब मैं सादर करने वाला हूँ। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली गर्वतन मुश्किल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जहां तैली पर ये रो लड़च रहे है ये कदम, जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज, दूर रह पाए जो हमसे दम कहा मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। नमस्कार, मेरा नाम शेफाली गुप्ता है। आज मैं आप सभी के सामने रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति का तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी प्रस्तुत करूंगी। आप सभी जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर कौरवों के पास उनकी सभा में जाते हैं, वो उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ अंतिम प्रयास करता हूँ, और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि यह होगी कि युद्ध समाप्त हो जाए। तो उस सभा में क्या हुआ, क्या वर्णन था, मैं आज उन सभी बातों को आप सभी के सामने साझा करूंगी।
वर्षों तक वन में घूम घूम बाघा वृद्धों को चूम चूम सहदूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण ध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेश लाए क्या दो न्याय अगर तो आधा दो न्याय अगर तो आधा दो पर अगर इसमें भी कोई वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे और दुर्योधन वह भी दे ना सका दुर्योधन वह भी दे ना सका आशीष समाज की ले ना सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान को पित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बंद मुझे यह देख गगन मुझमें लय है यह देख पवन मुझमें लय है मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है संकार सकल अमृत फूलता है मुझमें संहार झूलता है मुझमें उद्याचल मेरा दीप्त भार भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल कुछ परिधि बंद को घेरे है मैं नाक मेरु पग मेरे है दीप्त जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर उद्रिक हो तो अदृश्य कांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित्र सतसिंधु मंद्र सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि धनकर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साथ की ने हा हा दुर्योधन बांध की ने भूलो अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई बू है पहचान इसमें कहां तू है अमर में सुनकर जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब लौट मुझी में सब जन मुझी में से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं जिब्वा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती सृष्टि उधर मैं जब भी बूंदता हूँ लोचन छादा का चारों ओर मन मर बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी कर लाया है अरे बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी कर लाया है यदि मुझे बांधने चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सुने को साधना सकता है वह मुझे बांध कब सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैत्री अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जया की मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भूपर वही प्रखर फल शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे वायर श्रगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा थी सभा संत सब लोग डरे थी सभा संत सब लोग डरे आधे बेहोश या चुप थे खड़े केवल दो लड़ना अखाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय
दोनों उतार रहे थे। जय जय धन्यवाद। जो कि एक अनुसंधान वैज्ञानिक हैं ट्रिनिटी कॉलेज में, और वो आज श्री कन्वर नारायण जी की लिखी हुई कविता नीम के फूल प्रस्तुत करेंगे। सबको मेरा सादर आमंत्रण और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुप्रीमा है और मैं ट्रिनिटी कॉलेज में एक वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रही हूँ। तो काफी अच्छा लग रहा है सबके साथ मिलकर, और ये भी अच्छा लग रहा है कि इस एरिया में साइंटिफिक रिसर्च में हूँ। इस एरिया में काफी वैज्ञानिक अभी इंडिया से आ रहे हैं और हम तरक्की कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं कि रिसर्च के फील्ड में बहुत सारे इंडियंस को आज मैं देख रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो मेरा बचपन मैं बंगाल में मैं पली बड़ी हूँ, बट मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी। तो ये जो हिंदी दिवस की जो हम लोग सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं, मुझे हिंदी पखवाड़ा की याद दिलाती है। तो हम जब बचपन में थे तो हमारे प्रिंसिपल साहब और जो टीचर्स हैं, हमें एक हफ्ता पूरा हिंदी, जबकि हमारा ये सेकेंड लैंग्वेज हुआ करता था अलॉन्ग विद इंग्लिश, तो ये हम एक हफ्ता पूरे हिंदी को समर्पित करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं भारत के बाहर भी ये दिवस को मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो आज मैं जो कविता आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, शायद बहुत लोग इसको जानते नहीं है, ये कवि कुंवर नारायण जी की लिखी हुई नीम की फूल है। और मैंने अपने खास दोस्त से जो IIT मद्रास से हैं, वो कविता के काफ़ी मतलब चर्चा करते, तो उनसे मैंने पूछा कि कौन सा मुझे ऐसा एक दिवस है और आप कौन सा मैं आपको पाठ करूँ। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, क्योंकि इसमें इस कविता में बहुत सारा जो हमारी बचपन की यादें, बहुत साधारण सी कविता है, बहुत आपको पढ़ते शायद सुनने में ऐसा लगेगा नहीं, पर इसमें हमारे बचपन की यादें और जो सरल स्वाभाविक जीवन है जो आज शायद चकाचौंध में खो चुके हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। तो कुंवर नारायण जी की ये कविता है नीम के फूल। ये कविता राजकमल से प्रकाशित उनकी प्रतिनिधि कविताओं में संकलित है। जाहिर है कि उनकी बहुत सारी अच्छी कविताओं की भीड़ में इस कविता पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता। ये कोई अनहोनी या गुनाह नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी ये पुस्तक मेरे सामने आती है, मेरी आंख बार बार उसी एक कविता पर ठहर जाती है। मेरे सामने शीर्षक के मार्फत एक बिंब उभरता है जो मेरे बचपन का है। नीम के फूल पेड़ पर लगे हुए, जमीन पर झरे हुए, हमारे खेल में चुपचाप शामिल, इतने चुप कि हमारे कुछ भी करने में किसी तरह का अवरोध या खलल न डालते हुए। ये कविता न केवल कवि की अपनी जमीन की ओर इशारा करती है, वरन उन स्मृतियों की ओर भी संकेत करती है जो कवि के कविता कर्म का मूल्य है। साथ ही ये कविता कवि के समुदाय बोध की ओर भी एक गहन संकेत करती है। नीम का पेड़ एक गांव के आंगन में होता है। ये वो गांव कवि का ही गांव है या सिर्फ वो एक ऐसा गांव है जिसमें आंगनों में नीम के पेड़ होते हैं जिनमें नीम के फूल लगते हैं और पूरा घर गांव ही औषधीय गंध से भर उठता है। कवि का यहाँ घर के संदर्भ में कड़वी और मीठी शब्द का एक ही साथ प्रयोग बहुत कुछ कह देती है। नीम के फूल पर कवि की दृष्टि का ये टिकना महत्वपूर्ण है। ये कवि के अलीक पर चलने की और सिर्फ इशारा ही नहीं, एक संजीदा कवि और संजीदा कविता का दृष्टांत भी है। नीम के फूल एक कड़वी मीठी औषधीय गंध से भर उठता था घर, जब आंगन के नीम में फूल आते, साबुन के बुलबुलों से हवा में उड़ते हुए सफेद छोटे छोटे फूल दो एक माँ के बालों में उलझे रह जाते, जबकि तुलसी घर पर जल चढ़ाकर आंगन से लौटती। अजीब सी बात है, मैंने उन फूलों को जब भी सोचा बहुवचन में सोचा। अजीब सी बात यह है कि मैंने जब भी उन फूलों को जब भी सोचा बहुवचन में सोचा, उन्हें कुमलाते कभी नहीं देखा, उस तरह रंगारंग खिलते भी कभी नहीं देखा जैसे गुलमोहर या कचरा, पर कुछ था उनके झरने में खिलने से भी अधिक शालीन और गरिमा है, जो न हर्ष था न विशाल। जब भी याद आता वो विशाल दीर्घायु वृक्ष, याद आते उपनिषद, याद आती एक स्वच्छ सरल जीवन शैली, उसकी सदा शांत छाया में वो एक विचित्र सी उदार गुणवत्ता जो गर्मी में शीतलता देती और जाड़ों में गर्माहट। याद
के तीखी पर मित्र से सौंधी खुशबू जैसे बाबा का स्वभाव, या बातें पेड़ के नीचे सबके लिए हमेशा पड़ी रहने वाली बाघ की दो चार खाटें, निगोलियों से खेलता एक बचपन, याद आता नीम के नीचे रखे पिता का पार्थिव शरीर, पर सरूचा के फूलों का भूमि तराग झरना, जैसे माँ के बालों से झर रहे हो नन्हे नन्हे फूल जो आंसू नहीं सांत्वना। कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर हम चाहते हैं सबको मौका मिले अपनी बात रखने का, तो हमें बुलाना चाहूँगी नीरज जी को, जो NCI में डाटा एनालिटिक कोर्स कर रहे हैं और ये उनकी अपनी विश्वी रचना को प्रस्तुत करेंगे। कोशिश मेरी हार गई, मैं अभी हारा नहीं, और इनकी प्रेरणा स्रोत हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे डबलिन में आए हुए सिर्फ 12 दिन हुए हैं, मैं इनके कॉलेज में डेटा एनालिटिक्स कोर्स करने के लिए आया हूँ। पिछले वर्षों में भारत में मैं आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल राइटर के तौर पे रहा हूँ, और जैसा कि आपका एक ध्येय है सभी को एक साथ एकत्रित करना, 2017 में दिल्ली में हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था सोशल हाउस स्टार्टअप के तौर पे, आज वो हिंदुस्तान में नंबर वन पोएट्री चैनल है। इसके तहत मैं भारत के विभिन्न प्रांतों में घूमता रहा हूँ, कॉर्पोरेट शोज यूनिवर्सिटीज में घूम कर परफॉर्म करता रहा, लेकिन यहाँ खड़ा होना और ये जो मैं अनुभूति अभी कर पा रहा हूँ ये बहुत अलग है। 12 दिन आना और फिर एक मुझे एक ऐसी महफिल और एक ऐसे लोग मिले जहाँ कविताओं को और हिंदी को इतनी प्रेरणा मिल रही है, ये मेरा बहुत सौभाग्य है। ये जो कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसका शीर्षक है कोशिश मेरी हार गई, मैं अभी हारा नहीं हुआ, और ये एक श्रृंखला चली आ रही है पिछले 6 सालों से, नियति ये उसकी श्रृंखला है। मैं ये सुनाने के बाद आपको पूरा वक्तित्व बताता हूँ। ये कविता है कि ये शाम दुखों की जाएगी कल नए तराने गाऊंगा, ये काली रात भी बीतेगी कल नया सवेरा लाऊंगा, उफानों से भरा समंदर हूं किसी नदी की सिमटती धारा नहीं, कोशिश मेरी हार गई मैं अभी हारा नहीं, कोशिश मेरी हार गई मैं अभी हारा नहीं, हाँ गिरूंगा फिर उठूंगा पर न एक पल को रुकूंगा, जीत लूंगा या लड़कर मरूंगा पर न चरण वंदन करूंगा, न ताल मेरी न सुर है मेरा पर तांडव प्रचंड करूंगा, चढ़कर विफलता की सीढ़ियां सफलता तक पहुंच जाऊंगा, वक्त भी हो जाए मजबूर ऐसा कोहराम मचाऊंगा, दिन का चमकता सूरज हूं मैं किसी रात का टूटा तारा नहीं, कोशिश मेरी हार गई मैं अभी हारा नहीं। कविता में रख रहा हूँ ये एक नियति की श्रृंखला है जो विगत 6 वर्षों से मैं लिख रहा हूँ, ये उसका 4th पार्ट में रख रहा हूँ। आप सबने रामधारी सिंह दिनकर जी को सुना और ये उसी से प्रेरित है। जब मैंने रश्मि रथी पढ़ा, मुझे रश्मि रथी शब्द शब्द कंठस्थ है तीनों चारों, वो कंठस्थ करने के बाद मुझे एक प्रेरणा मिली कि क्या ऐसा हो सकता था, तो महाभारत से ये प्रेरणा निकल के आती है। ये संवाद है एक कर्मरथी व्यक्ति और उसके भाग्य के बीच में, जब आप कुछ करने में असफल हो जाएं और फिर लोग आकर के कहें कि ये तुम्हारे भाग्य में नहीं था, वो बहुत दुख देता है इस बात को सोचने पर कि क्या मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ था। मुझे ऐसा लगता है या मैं उस पद्धति से आता हूँ जो ये मानते हैं कि कर्म के बल पर भाग्य बदला जा सकता है, तो ये वही कर्मरथी और उस भाग्य के बीच का संवाद है। और मैं अपने भाग्य से अपनी डेस्टिनी से ये कहता हूँ कि मेरी मेहनत के चीरहरण का सपना तेरा विफल हुआ। आपको ये अगर ठीक से संवाद याद आ रहा हो तो द्रौपदी का वो सीन अगर आपको याद है जब भगवान कृष्ण आए थे, तो ये वहां से आता है कि मेरी मेहनत के चीरहरण का सपना तेरा विफल हुआ। ये मैं अपनी नियति से कहता हूं
कि मेरी मेहनत के चीर हरण का सपना तेरा विफल हुआ, मुझ पर हंसती इस जगत सभा में मैं स्वयं ही अपना कृष्ण हुआ। मेरी मेहनत के चीर हरण का सपना तेरा विफल हुआ, मुझ पर हंसती इस जगत सभा में मैं स्वयं ही अपना कृष्ण हुआ। तू बेशक विपदा का जहर बढ़ा, भर एक सांस पी जाऊंगा मैं, इस पार डुबाएगी मुझको उस पार निकल जाऊंगा मैं। तू बेशक विपदा का जहर बढ़ा, भर एक सांस पी जाऊंगा मैं, इस पार डुबाएगी मुझको उस पार निकल जाऊंगा मैं, या खींच हिले मुझे जल के तल तक मोती लेकर आ जाऊंगा, या खींच हिले मुझे जल के तल तक मोती लेकर आ जाऊंगा मैं। मेरे मेहनत के तेरे प्रति उत्तर पर अड़िग खड़ा मैं प्रश्न चिन्ह हूँ, तेरे स्वप्नों से परे बना मैं परम ब्रह्म का सृजन बिंदु। कि माधव ने जब दो हाथ दिए तो फिर किस्मत पर क्यों रोना, माधव ने जब दो हाथ दिए तो फिर किस्मत पर क्यों रोना, जब कर्म करे से मिलेगा सब कुछ तो भाग्य भरोसे क्यों सोना। कि माधव ने जब दो हाथ दिए तो फिर किस्मत पर क्यों रोना, जब कर्म करे से मिलेगा सब कुछ तो भाग्य भरोसे क्यों सोना। तेरा हाथ पकड़कर चला वही जिसके मन में रहता भय है, तेरा हाथ पकड़कर चला वही जिसके मन में रहता भय है, जो डिगा नहीं कर्मों के पथ से अंत विजय उसकी तय है। जो डिगा नहीं कर्मों के पथ से अंत विजय उसकी तय है। यदि है तुझसे जीवन भर रण, रख याद कभी ना भागूंगा, है मेरी भी भीष्म प्रतिज्ञा मैं मरने तक ना हारूंगा। है मेरी भी भीष्म प्रतिज्ञा मैं मरने तक ना हारूंगा। कुछ देर को रोक ले अपनी धुन और कान खोल मेरा परिचय सुन। कि कुछ देर को रोक ले अपनी धुन और कान खोल मेरा परिचय सुन। मैं ब्रह्मा का सृजन श्रेष्ठ और कर्म को माना मैंने ज्येष्ठ। मेरे मन से हर शोक गया, पा गया हूं मैं आलोक नया। अश्रु से भरी अब रात नहीं, अब कोई पुरानी बात नहीं। था भेद जो कुछ मैं जान गया, अपनी त्रुटियां पहचान गया। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो अविरल सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, मैं बोलूंगा तो बातों में हुनर भी देना। मैं आपके अंदर बैठे हुए भगवान को नमन करता हूँ। मैं विशेष तौर पे अपनी और उसके पिताजी को नमन करता हूँ, क्योंकि मेरा विषय है आने वाले समय में हमारा दायित्व। बहुत कुछ आज कहा गया, सबने अपनी भी प्रस्तुति दी, बहुत ही गर्मा में वातावरण में सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा लगा। मैं विशेष रूप से इसलिए उनको नमन करता हूँ कि आज के समय में और आने वाले समय में ऐसे माता पिता की जरूरत है जो अपने बच्चों को विरासत के रूप में ऐसी सीख, ऐसा यकीन जीवन, ऐसा ज्ञान दे सके और समाज के लिए प्रेरणा मिल सके। बच्चों से आने वाली पीढ़ी से उधार ले ली है कि हमको वैसे ही वापस लौटानी होगी। मैं अपने हिस्से का भारत बनाऊं, आप अपने हिस्से का भारत बनाएं, तभी भारत विश्वगुरु बन सकता है। मोदी जी पर अकेले जुम्मे जाहिर नहीं है। महामहिम ने कितनी अच्छी बात कही कि हम सब जो है मिल करके उस सपने को पूरा करें, तो जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। आप विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते हैं, पर हमेशा एक छोटी सी उसके चीज अगर जोड़ ले उसके साथ में कि मेरा एक कर्म उस माँ को समर्पित हो जाए, मेरा एक छोटा सा काम उस माँ के चरणों में समर्पित हो जाए, तो हम सब कितने करोड़ लोग हैं उस माँ के लिए कितना बड़ा काम कर सकते हैं, तब भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं जिनके लिए पुल बन गया था
वो मेरे ऊपर से होकर के गुजरते हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? पुल क्या करता है? पुल दो किनारों को जोड़ता है, दो धाराओं को जोड़ता है। मैं जिनके लिए पुल बन गया था वो मेरे ऊपर से होकर के गुजरते हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? मुझे पता था कि वो ही रह जाएगा, पुल तो ही रह जाएगा, पुल आगे नहीं जाएगा, लेकिन पुल से ऊपर नदी पार करके आप गए हैं, उस पुल को यदि भूल जाएं तो गलती किसकी है? बल्कि नहीं, हम सबकी है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां, छोटे छोटे काम यदि हम सब करते हैं तो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य आपके सामने लिखा हुआ है, उसको जन्म देते हैं, उसको पालते हैं, उसको आगे ले जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, नई दिशा देते हैं, नई दशा तैयार करते हैं। जिम्मेदारी हम सब की बनती है। घर में अपनी मातृभाषा से प्रेम करें, बाहर चूंकि हम ऐसे देश में रहते हैं हमको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, संकल्प लें कि घर के अंदर जो है हम अपनी भाषा बोलेंगे, इतना संकल्प ले लें बस, बड़ी बात करने की जरूरत नहीं। आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, जो आप करते हैं वो बच्चे सीखते हैं, इतने करने की जरूरत है। यदि हम सब ये काम कर लें तो हम निश्चिंत होकर के कह सकते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी भारत में जाता है तो अपनी माँ, अपनी दादी के साथ, अपनी नाना के साथ, अपनी माँ के साथ मायके और ससुराल दोनों जगह जाते हैं, गर्व के साथ उनके साथ शिष्टाचार करते हैं, बातचीत करते हैं और खुशी खुशी रहकर क्या। लेकिन यदि आप नहीं करेंगे तो आपको फर्क रखना पड़ता है, क्यों? फिर होटल में जाके रहते हैं, क्योंकि बच्चा जाना नहीं चाहता, भाषा नहीं आती, संवाद स्थापित नहीं हो पाता है। संवाद स्थापित करने के लिए छोटे छोटे काम करने की जरूरत है। घर में अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन में आचरण में लाए। समस्या सिर्फ इस बात की है कि हम कहते हैं आचरण में क्या है, सबसे बड़ी समस्या आचरण में लाते हैं, आचरण में लाए। मुझे लगता है कि हमको, हम सबको कोई नहीं रोक सकता है कि हमारी संस्कृति की जय कहने से, हमारे कर्मों में गति लाने से, भारत की दिशा तय करने में, हमारी भूमिका निभाने में, और यहाँ बैठ करके 50,000 हिंद भारतीय यहाँ रहते हैं, 50,000 खड़े होकर के यदि हम सब, अभी मैं रामगढ़ जी का कुछ दिनों पहले यहीं पर इसी जगह पे सभागार में एक बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, मैं आ नहीं पाया तो मैं उस पर सुन रहा था ऑनलाइन, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हम सब कुछ जो मिठास होती है ना शक्कर, हम वो शक्कर है, आयरन एक दूध है, हमको ये रहना है। विभिन्न शक्कर और अलग नहीं कर सकते, दूध में शक्कर को मिला दो, अपनी मिठास को मिला दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उस मिठास का स्वाद हम भी ले रहे हैं, हमारे बच्चे भी लेंगे, यहाँ के रहने वाले लोग भी लेंगे, हम तो उनसे अलग नहीं कर सकते, वो हमको अपने से अलग नहीं कर सकते, तो प्यार बांटने की जरूरत है। ये की जीवन इसी को कहते हैं, हम देने वाले लोग हैं, हम देवता, हम देवता तुल्य कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान रहता है, इसीलिए आपके अंदर बैठे हुए भगवान को हम सब नमन करते हैं। मनुष्य को अगर फैलने जाति को नहीं नमन कर रहा है, आपको कोई नहीं कर रहा है, आपके अंदर कोई बैठा है। बस मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबको सहृदय धन्यवाद करता हूँ आने के लिए और अपनी भागीदारी निभाने के लिए। अंत में छोटी सी बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि थोड़ा सा स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय पढ़ना सीखिए, पढ़ने घर पर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आदत पड़ेगी बच्चों की, बच्चों को आदत पड़ेगी तो बहुत बहुत जाएगी, पर अपने स्वभाव में रहिए। छोटी सबको करेंगे, सबको करने की जरूरत है, मेरे कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, ऐसा मैं अपने संकल्प में। आपका आज का दिन शुभ है, आने वाले नव वर्ष को हिंदी दिवस की नव वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। कार्यक्रम के आयोजन के लिए महामहिम को, मैडम को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात के साथ गायत्री मंत्र के साथ मैं आपको समाप्त करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः
सज्जन विचारों के लिए और सबको प्रेरणा देने के लिए। इसी के साथ हम आज की प्रस्तुतियों का समापन करते हैं। भारतीय राजदूतावास की तरफ से आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद और सभी प्रस्तुतकर्ताओं का विश्व हिंदी दिवस में उत्साह से भाग लेने के लिए विशेष आभार। और इस आभार को व्यक्त करते हुए हम सभी प्रवक्ताओं को एक प्रशंसा पत्र भेंट करना चाहते हैं। जैसे जैसे नाम की घोषणा की जाए कृपया आगे आके इसे माननीय राजदूत महोदय से प्राप्त करें। तत्पश्चात कृपया जलपान के लिए कक्ष से बाहर की ओर प्रस्थान करें। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुश्री आदवेद साहू।